पड़ाव है, जिहादी विधर्मियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो, ये मांग है इस महापंचायत के दौरान। उम्र कैद या मृत्यु दंड जैसे कठोर कानून बनाए जाएं जिससे यह धर्मी रुके। प्रस्ताव नंबर दो आपको बता देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, उनके बीच अगर ऐसे लोग हों तो इन्हें चिन्हित करें, उनका बहिष्कार करें, अधर्मियों के खिलाफ मृत्यु दंड या फतवा जारी करें, ये मांग है। ये समझे वो कि दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रस्ताव नंबर तीन, सुप्रीम कोर्ट दो बच्चों का कानून शीघ्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे, ये भी इनकी मांग है। वहीं प्रस्ताव नंबर चार है कि सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के निर्देश दे, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए कठोर कानून बने। नाम लिखने वाली बात आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान भी सामने आई थी, राजनीति इस पर खूब हुई थी, लेकिन मांग दोहराई जा रही है क्योंकि थूक जिहाद ऐसी जगहों से सामने आ रहा है। वहीं साध्वी प्राची अधर्मियों के खिलाफ वो आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, उनका भी ये कहना है कि अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है, अब हिंदुओं को जागना ही होगा। सुनिए, इस तरह की घटनाओं पर कड़ा से कड़ा कानून बने और वो कड़े से कड़ा कानून जल्दी बने। तिरुपति में भगवान को मिलावट, हिंदुस्तान में लोनी के अंदर इंसान से जूस में मिलावट, कहीं तो रहने दीजिए साहब। हिंदू महापंचायत ने कहा कि एक स्वर में कहा जाए कि हम लोग एक हैं, और यहाँ पर जो जूस में मिलावट कर सभी लोगों को पिलाया गया, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो जो नजीर बने, लोगों की आत्मा कांपे किसी का धर्म बर्बाद करने के लिए। और नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक है लोनी इलाके से, उनका ये कहना है कि हमने 7 दिन का समय दिया है ऐसे लोगों को, अधर्मियों को, सुधर जाओ नहीं तो बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। एक तरह से उन्होंने वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। सुनिए, महापंचायत सभी सनातन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई तक भी यहाँ लोग थे, सभी आहत हैं। उन्हें यह है कि सारे लोग मुस्लिम क्यों निकलते हैं, तो चार प्रस्ताव यहाँ जो महापंचायत थी उसने पास किए, मुझे दिए हैं, और मैं क्योंकि यहाँ विधायक हूँ और सरकार का विधायक हूँ, इसलिए मुझसे उम्मीद की है, मुझे बुलवाया गया और यहाँ तक कहा गया नहीं आए तो तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा, तो इसलिए मैं आकर के मैंने अपनी जिम्मेवारी को यहाँ समझा है। मैं हमेशा इनके लिए खड़ा रहता हूँ। पिछले दिनों भी जूस की दुकानें लोगों ने हमारे आह्वान पे स्वयं बंद कर दी, और भी तमाम मांस की दुकान, होटल्स बंद कर दिए। अब ये चारों मांग, टू चाइल्ड पॉलिसी, दो बच्चों का नियम बने, दूसरी बात जो यहाँ इस तरह का जिहाद करेंगे किसी भी तरह का, उन पर रासुका के तहत गिरफ्तारी हो और मृत्युदंड की सजा हो, ये मांग मैंने सुप्रीम कोर्ट से, मैंने प्रधानमंत्री जी से की है। और मुसलमानों को 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप यहाँ सभी समाज के लोगों की मांग के अनुसार आप भी खड़े होकर के ये कहें कि हम अलग नहीं, आपके साथ हैं, ऐसे राक्षसों के साथ नहीं है। नहीं कहते तो ये माना जाएगा अभी आप भी उनके साथ हैं, फिर पूरी तरह से उनका हर प्रकार का बहिष्कार होगा। और चलिए आगे बढ़ के अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अपराध कनेक्शन की, एक और मामला, एक और सवाल कि सारे अपराधियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से ही क्यों निकलता। चार पांच गाड़ी आके खड़ी हुई जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे, हमको बुलाए, उसके बाद में मारने पीटने लगे, तो हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे देना है तो तुमको हम मरवा देंगे। तो देखिए एक और मामला सामने आ गया, समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं उनके दागदार होने की कहानी नई नहीं है, दागियों की पूरी फेहरिस्त है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव पहले ये कह देते हैं कि मैं तो इनको नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता ये कौन है, बाद में तस्वीरें सामने आती हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर आपको अवधेश प्रसाद दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें सर आंखों पर बैठाया जाता है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अयोध्या में फतह हासिल की है, अयोध्या का राजा भी बता दिया था अखिलेश यादव ने, और उन्हीं के सुपुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अजीत प्रसाद, जिनको लेकर नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई, जिनको लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इनका भी नाम अब शामिल हो गया उन दागी नेताओं की वो लंबी फेहरिस्त जो है, जिसपे अलग अलग आरोप लगते हैं, मामला आगे बढ़ता है, जांच में साबित होता है कि दोषी हैं, उसी तरह का एक मामला अब अजीत प्रसाद को लेकर भी सामने आ गया है। चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मामला क्या है, आरोप क्या लग रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पूरा केस क्या है। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि अब इनकी भी दबंगई के किससे ऐसा लग रहा है कि आम होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत, जिनकी तस्वीर भी आप यहां देख रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं
पीड़ित रवि तिवारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट की गई है, पीड़ित ने अगवा कर धमकाने का यानी अपहरण का आरोप लगा है। जबरन गाड़ी में बैठाकर मारपीट की गई है, ये रवि तिवारी कह रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और ये भी कहा गया कि मारपीट के बाद 1,00,000 का चेक थमा दिया गया। ये चेक क्यों थमाया गया ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे, लेकिन पैसों के लेन देन और जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसको लेकर दबंगई सामने आ गई है समाजवादी पार्टी नेता की, अजित प्रसाद की, जिनको आगे चुनाव में उतारने की भी तैयारी चल रही थी। लेकिन चलिए जरा आपको तहरीर दिखा देते हैं, वो काले कारनामों का चिट्ठा जिसको लेकर शिकायत की गई है और जिसको लेकर अब अवधेश प्रसाद से भी जवाब देते नहीं बन रहा है। और अखिलेश यादव तो अभी सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या कहना है, क्योंकि वो तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। जरा ये देखिए, ये तहरीर है, ये वो शिकायत है जो की गई है और इसमें बड़ी बातें क्या लिखी गई है। घसीट कर गाड़ी में बैठाया गया, यानी दबंगा इस कदर, दबदबा इस कदर कि पिस्टल दिखाकर धमकाया गया और एक तरह से दबाव बनाया गया, क्योंकि उन्हें लगा तो यहाँ तो अयोध्या में तो सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा, उनके पिताजी सांसद हैं। घसीट कर गाड़ी में बैठाकर इस तरह से दबाव बनाया गया है, ये कह रहे हैं रवि तिवारी जो पीड़ित हैं, जो बता रहे हैं। और समझिए, ये जो पूरी तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि अब जो अखिलेश यादव हैं या उनके जो तमाम चेहरे हैं, उनके अंदर दबंगई की वो भावना आ गई। दरअसल लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा था और अब उपचुनाव है, उससे पहले अभी से ही रुख दिखने लगा। ये तस्वीर देखिए जरा। दरअसल पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। देखिए, हनुमंत नगर में रहने वाले रवि तिवारी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या थे हमने आपको बताया, लेकिन पूरा मामला क्या है। अकबरा की शीतला प्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे, शीतला प्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे और बयाने के तौर पर 1,00,000 रुपए शीतला को दिए गए थे। 1,00,000 रुपए में बयाना किया गया, यानी तमाम हो गया। बाद में शीतला ने क्या किया, अजीत प्रसाद के नाम बेनामा करा दिया, यानी पेपर्स उनके नाम से बन गए। 1,00,000 का चेक अजीत प्रसाद को सौंप दिया। समझ रहे हैं आप, किसी और रवि तिवारी के नाम होनी थी जमीन, लेकिन यहां अजीत प्रसाद के नाम हुई। 21 सितंबर को SBI सिविल लाइन के सामने जहां रवि तिवारी खड़े थे, उसी समय अजीत प्रसाद और 15-20 लोगों ने घसीट कर गाड़ी में बैठाया, ये कह रहे हैं रवि तिवारी अपनी तहरीर में। अजीत प्रसाद ने पिस्टल निकाल कर सर पर तान दी, यानी किसी का डर नहीं, पिस्टल दिखा दी। रवि तिवारी कह रहे हैं कि रकाबगंज की ओर मारपीट करते हुए ले जाया गया। ये देखिए, SBI सिविल लाइन से सीधे रकाबगंज की ओर तक ये पूरा रास्ता मारपीट करते तय किया गया और तहसील के पास गाड़ी खड़ी करके वीडियो भी बनाया गया, साक्ष्य भी बनाए गए। 1,00,000 रुपए वापस लेने का वीडियो बनाया गया कि भाई पैसे ले लिए, तुम्हारी जमीन नहीं हमारी जमीन है, ये रवि तिवारी के आरोप है। जान से मारने की धमकी देकर गाड़ी से उतार दिया गया जिससे कि शिकायत ना हो, लेकिन रवि तिवारी ने शिकायत कर दी है और इसको लेकर उनके भीतर गुस्सा है, नाराजगी है और वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ सांसद बन जाएंगे तो क्या मनमानी ऐसे ही चलेगी, अभी तो सरकार बनी नहीं है। अखिलेश यादव चाहते हैं अभी उपचुनाव है, उससे पहले ही ये क्या झलक है उसी तरह के सपा सरकार की जैसे पहले हुआ करती थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया,